दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि आप जब टाइपिंग करते हो या फिर किसी को मैसेज करते हो या फिर कोई पैराग्राफ लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, तो बहुत सारा ऐसा होता है कि आपके पास बहुत सारा पेज होता है या फिर कोई कोई खास पेज होता है जिसे देख के आपको टाइपिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताना चाहते हैं, एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके ज़रिए आप कभी भी किसी पेज को भी यहाँ से जैसे ही आप स्कैन करोगे वैसे ही वो पेज का सारा जितना कुछ लिखा रहेगा सारा लेटर आपके पास सामने में आ जाएगा, जिसे आप कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। तो मैं आज उस ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐप कितना अच्छा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऐप है, बिकॉज़ काफ़ी दिन से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा ऐप है। आज मैं आपको भी इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर टेक्स्ट स्कैनर बोल के एक ऐप है, आपको ये आसानी से आपको प्ले स्टोर में इसकी इसकी ऐप मिल जाएगी। सो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ तो ओपन करने के साथ ये जो सामने में खुला हुआ है ना, बस यही इसका इंटरफेस है। यहाँ पे जैसे 3 लाइन आपको दिख रहे होंगे, आप जैसे इस पर टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ खास तो नहीं मिलते हैं यहाँ से, जैसे ईमेल है, ईमेल में जाके आप किसी किसी को भी ये पेज सेंड कर सकते हो, तो बिकॉज यहाँ पे तो फिलहाल कुछ नहीं है। ओके, आप यहाँ से किसी चीज़ को आप अगर किए हो स्कैन किए हो तो आप यहाँ से पिन कर सकते हो, पिन का ऑप्शन यहाँ पे है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन यहाँ कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, जो कैमरा का ऑप्शन है आप यहाँ से जाकर किसी भी चीज़ को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, यह कैमरा का ऑप्शन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए जैसे ही मैंने उसे टाइप किया गैलरी का ऑप्शन सामने आ चुका है। अब जैसे ही मैं गैलरी पे क्लिक करूँगा, क्लिक करते के साथ यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैं एल्बम पे क्लिक करके, मेरे पास एक पेज पहले से पड़ा हुआ था, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया ये पेज मेरे सामने खुल गया। यहाँ से मैं कंटिन्यू टू ऐप कर दूंगा, उसके बाद क्या होता है यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिलता है और स्कैन का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्रॉप का ऑप्शन चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद आपको जितना चाहिए इस पेज में, मान लीजिए मुझे ये सिर्फ ये अपोजिट वर्ड्स लिखा हुआ मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो मैं इतना स्कैन कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा और चाहिए, बाय द वे मैं कहीं से भी किसी भी एंगल से इसे कट कर सकता हूँ, क्रॉप कर सकता हूँ, मुझे जितना चाहिए मैं सिर्फ उतना ही लूँगा। बस आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ से इसे जैसे यहाँ कोने में आपके एग्जिट दिख रहा होगा, तो एग्जिट तक मैं इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है, बाद बाकी छोड़ देता हूँ, मैं इतना ही लेता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इतना ये कट हो जाता है, उसके बाद मैं इसे स्कैन कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट, मैंने थोड़ा गलती कर दिया। सो अपोजिट वर्ड से लेकर के मैं यहाँ एग्जिट तक क्रॉप रखता हूँ, अपोजिट वर्ड पूरा आ गया, अभी मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद स्कैन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐड चल रहा है, मैं इसे ऐड को हटा देता हूँ, मैंने ऐड को हटा दिया। यहाँ देख सकते हैं आप सारा का सारा वर्ड यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट तक आ चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जिट आपको दिख रहा होगा, एग्जिट तक आ चुका है। आप यहाँ से जैसे इसे पिन करोगे तो पिन करने के बाद तो ये वहाँ पे पिन आउट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे पिन नहीं करता हूँ, यहाँ से आप कॉपी जैसे ही करोगे यहाँ पे सारा का सारा वर्ड कॉपी हो जाएगा, उसके बाद आप इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। ये फोटो में ये देखिए, ये फोटो तो आपके पास जो मैंने स्कैन किया था, ये फोटो सामने में आ चुका है, ये टेक्स्ट आ चुका है। ओके, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऐप्स है फ्रेंड्स, इसे आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर दे दूंगा। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन को क्लिक ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।